मैम हमने स्ट्रीमिंग स्टार्ट नहीं की यहां से हेलो डियर स्टूडेंट्स कैसे सब लोग हैं एवरीवन वेलकम टेंथ टेंडर्स दिस इज मी राहुल योर सोशल स्टडीज इंपैक्ट क्रिएटर एट विदुल एंड स्टूडेंट्स ओके फ्रॉम द बैकग्राउंड लेट मी जस्ट मेक ए वाइल्ड क्वेश्चन टू यू आपको क्या दिख रहा है सर सर देर इज लाइक द नेशनल फ्लैग ऑफ इटली ठीक है सर समझ में आते चीजें बट इज इट सो इंपॉर्टेंट टू स्टडी अबाउट द आइडियाज ऑफ इटली और इटालियन यूनिफिकेशन और समथिंग एल्स क्यों सर येस्टे ओनली आई जस्ट टोल्ड यू आइज मैंने आपको कल बताया था दैट सर वाई वी आर लर्निंग वर्ल्ड हिस्ट्री इन क्लास नाइन्थ एंड टेंथ वाई बिकॉज आपको कहीं ना कहीं सर इंडियन नेशनलिज्म के ऊपर

but sir what i feel and what i believe that before you guys should be reading the ideas of italian unification you should be knowing about this person be mazzini i don't know whom i should be correlating it with in indian scenario but sir to die for your dream and dream what the dream of italian unification to devote all your life it's not an uh, cakewalk it's not an easy thing clear and neither एवरी वन कैन डू इट क्लियर सो वी आर स्टार्टिंग विद बेसिक रिगार्डिंग दिनिफिकेशन विद्याज ऑफिस क्लियर मजीनी वजीनी के आइडियाज को पढ़ना है क्लियर सो लेट्स गेट स्टार्ट सर आपके पास एक सवाल आया है क्लियर आपके चैप्टर का नाम है द राइज ऑफ नेशनलिजम इन यूरोप कल हमने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था इन द प्रीवियस वीडियो दैट सर व्हाट इज नेशनलिज्म वी स्टार्टेड आवर बेसिक कॉन्सेप्ट फ्रॉम दैट वेरी पॉइंट ओनली एंड ओके दैट इज कॉन्क्रीट क्वेश्चन फाउंडेशन क्वेश्चन आइडिया इज एक्चुअली अबाउट हाउ द नेशन क्लियर सो अ कंट्री इज नॉट ज्योग्राफिक टेरिटरी ठीक है अ कंट्री इज सेंस ऑफ लव व्हिच यूनाइट्स as one, all the sons and daughters of that geographic territory, so long as a single person amongst you has no vote to represent him in the development of the national life, so long as there is one person left to vegetate in ignorance while others are educated, so long as a single person that is able and willing to work languishes poverty through lack of a job, you have no country in the sense in which a country ought to exist.

सर आप किसी सरकार से किसी देश से किसी राष्ट्र से कोई उम्मीद करते हैं ठीक है इन्होंने वो तीन बेसिक उम्मीदें बताई दैट्स अ राइट टू वोट राइट टू एजुकेशन एंड राइट टू एम्प्लॉयमेंट ठीक है अगर आप अपने राज्य से अपनी सरकार से अगर आप इन चीजों की उम्मीद रखते हैं इफ यू थिंक दैट यू शुड बी गेटिंग दो थिंग्स क्लियर फ्रॉम द स्टेट ओनली देन सर यू शुड बी हैविंग द गट्स द करेज टू डाई फॉर फेलो मैन एंड वुमेन क्लियर

लाइक हिटलर वट वी कॉल इट सर वी कॉल इट हाइपर नेशनलिज्म नेशन शुड एग्जिस्ट एट द टर्म्स ऑफ आई डो नो वट टू से सर लेकिन आप अपने नेशन को सुपेरियर मानेंगे आप अपने कास्ट अपने क्लैन अपने कल्ट को सुपीरियर मानेंगे यू शुड वी फीलिंग एंड यू वर बी फीलिंग कि सर हम और हम नेशन के तौर पर एग्जिस्ट क्यों नहीं करते वाई आर वी नॉट यूनिफाइड वाई आर वी एमर्जिंग आउट एज ए नेशन स्टेट सर स्टेट तो हम हैं

फ्रेंच रिवोल्यूशन बिगिन इन सेवन इंडिपेंडेंट सिटी स्टेट क्लियर स्टिल डोमिनेट इटली विद द पेनिंसुल मतलब सर आज अगर हम अपना प्रेजेंट इटली देखते हैं तो प्रेजेंट इटली यहां से होता हुआ फ्रॉम दिस एरिया एंड दीज थ्री थिंग्स सार्डिनियाली एंड एवरीथिंग यहां से जो पेनिसुला है जिसका इटालियन पेनिसुला बोलते हैं सर दैट वॉज डिवाइडेड बाई पेपल स्टेट क्लियर नेम ऑफ अ सिटी स्टेट एग्जिस्टिंग इन द इटालियन ज्योग्राफी ठीक है इटालियन टेरिटरी ये वो कहानी है तो नाउ यू कैन सी सर टस्कनी हो गया दिस वॉज द पेपल स्टेट वी आर टॉकिंग टॉकउट इन्होंने पूरे इटालियन पेनिस्ला को डिवाइड कर दिया है देन देर इट इज सर किंगडम ऑफ है क्लियर ये हो गया सर सिस्ली सा पिडमोट एंड दिस इज कोर्सक गेटिंग मी सर ये आपका इटली हो गया

पोर्तुगल की ऊपर जर्मनी की हम हर केस पढ़ेंगे सर वे विल बी रीडिंग ईच एंड एवरी सिंगल केस एस दी सेम केस आएगा द केस ऑफ जर्मन यूनिफिकेशन आज हम इटालियन यूनिफिकेशन पढ़ रहे हैं दैट्स इट नाउ व्हाट इज द थिंग सर नेपोलियन इफ यू गाइस रिमेंबर 1804 1815 कुछ स्टोरी टाइमलाइन याद आई Right, guys? So, Napoleon Bonaparte conquered the Italian peninsula and created the puppet kingdom of Italy in 1797. Clear? Uh, well, I'm uh, very good, Bhomet. Thank you. Now, Sir, Napoleon combined the smaller Italian city states into larger units to make his rule more efficient, and the opposition to him as a foreign ruler stimulated Italian nationalism. तो अगर आपसे पूछता कि सर स्टोरी ऑफ इटालियन नेशनलिज्म इटली के लोगों में इटली के प्रति अपने देश के प्रति सर राष्ट्रवाद की भावना कहां से जगी कैसे शुरू हुई सिंपली से सर जैसे ही नेपोलियन ने कनकर किया पूरा यूरोपियन इटालियन जो था उनके स्टेट जो भी थे उसने कनकर लिया नाउ ही डेड सर उसने छोटे छोटे सीट्स चर्ट्स को मिलाकर एक कंबाइंड लार्ज यूनिट बना दिया ताकि वो अपने एडमिनिस्ट्रेशन को एफिशिएंटली रन कर सके मैनेज कर सके एज फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ रूलर फ्रॉम एडमिनिस्ट्रेन जी का सही था सर बट वोट अन इंटेंशनली और मिस्टेकली हिट बाय दैट थिंग इज द इटालियन नेशनलिज्म सर अगर हमारे ही देश का कोई इंसान फॉर एग्जाम्पल अगर इटली के ही देश का कोई इंसान अगर इटली को थोड़ा सा मॉडिफाई करने की कोशिश करे तो पीपल मे बी और मे नॉट बी ऑब्जेक्टिंग ठीक है बट अगर यही सेम काम कोई फॉरनर आके करेगा आपकी जमीन के ऊपर यू विल फीलिंग डिस्कस इट एंड ट्रस्ट मी आपके पास कोई कॉमन पॉइंट होना हो लेकिन उस चीज के बाद पास आपके पास एक कॉमन पॉइंट होगा दैट एनी हाउ वी हैव टू प्रोवोक दिस इंट्रूडर टू मूव आउट क्लियर ओके यस नेपोलियन वाज डिफीट इन 1815 बाय द डिफीट रशिया प्रशिया वॉटर वॉर में डिफीट बमित आई गेस

ओके तो सर यहां से इटालियन लोगों की फीलिंग सेट हो गई कि हाउ कैन अ फॉरेनर डू सो टू अस तो हुआ क्या 1815 रिमेंबर दिस ईयर द कांग्रेस ऑफ वियना रिस्टोर्ड द इटालियन सिटी स्टेट्स विद देयर प्री नेपोलियन रिएक्शनरी गवर्नमेंट्स ऑस्ट्रिया एंड कंट्रोल ऑफ कंट्रोल ऑफ लोम्बार्डी एंड वेनेजिया डोमिनेटेड मेनी ऑफ द स्मॉलर स्टेट्स ऑस्ट्रिया हंगेरियन आई एम टॉकिंग अबाउट ओके The Bourbon dynasty was returned to rule in Naples, Kingdom of Naples. येरा यहाँ कौन आगे सर? Bourbon dynasty. Okay, Bourbon साम्राज्य. Now, the Congress of Vienna established a system, the Concert of Europe, to stop the growth of revolutionary nationalism set in motion by the French Revolution and Napoleonic Wars. पहले सुन लीजिए. सर, Napoleon हारा. ठीक है. हारा तो एक चीज तो confirm हो गई कि दुनिया को किसी और तानाशाह की जरूरत नहीं है. एटलीस्ट वी डोंट वॉन्ट एनी अदर नेपोलियन ठीक है ये चीजें क्लियर होगी सर तो वो वोलेंट नेशनलिज्म ना फैले कि सर एक देश के लोग इतने भड़क जाएं कि वो आपको खदेड़ने के लिए आपको अपने देश से बाहर निकालने के लिए वो किसी भी तक जा सकते हैं जस्ट थिंक ऑफ सम कि सर आ uh, मैं किसी घर पे जाता हूँ उनसे ओके हेल्प मांगता हूँ कि सर आई नीड हेल्प विद फूड एंड मनी बिकॉज आई एम जस्ट यू नो आम डन और थोड़े दिन बाद थोड़े टाइम के बाद इतना सब कुछ उनके करने के बावजूद भी अगर मैं उनके ही घर पर कब्जा करूं तो ऑब्वियसली एवरी वन विल डिस्कड एवरी सिंगल वन ऑफ यू सेम वॉज का किया उसने पूरे यूरोप को दवा आप कांग्रेस बिठा रहे हैं वियना में ठीक है और बंटवारा कहां कर रहे हैं सर इटली और बंटवारा भी ऐसे लाइक जो प्री रिएक्शनरी उनकी पॉलिसीज़ थी गवर्नमेंट्स थी आपस में जो लड़ गुट के मरने वाले थे सर उनको बिठा दिया वापस आके यू रेड द स्टोरी सर बर्बन डायनेस्टी रिटर्न नेपल्स ठीक है उससे पहले ऑस्ट्रिया किसने ऑस्ट्रिया के क्या गया सर बनी और बनीजिया. और भी कई छोटे चुछ छोटे सिटी स्टेट्स ये सब हुआ क्या सर दिस वॉज सीरीज ऑफ इवेंट्स यहाँ से वो एक कड़ी शुरू हो गई इवेंट्स की जैसा हमने फ्रांस में देखा सर फ्रांस में राजा ने राजा होने का कुछ फर्ज निभाए नहीं सीधी बात है तो जनता अगेंस्ट होगी ही आर्यन राज बेटा वेना इज अ सिटी वेना कांग्रेस ओके वेना इज अ नेम ऑफ प्लेस जैसे हमारा दिल्ली है ना मुंबई है ऐसे ही वेना है ओके okay? तक आनी समझ में आई सर 1815 तक हम पहुंच चुके हैं जहां नेपोलियन को वोटरलू के मैदान में हराया गया बाय द कंबाइंड फोर्सेस ठीक है उसके बाद बैठी कांग्रेस ऑफ वियना क्लियर और कांग्रेस को आप एज नेम मत समझिए इट्स अ कलेक्टिव नाउन यू कैन से ठीक है जस्ट बिकॉज हम हमारी पार्लियामेंट को सर पार्लियामेंट कहते हैं यूएसए में से पार्लियामेंट को कांग्रेस कहते हैं सर एंड कांग्रेस जब आप एक्चुअली डिक्शनरी सर्च करेंगे ग्रुप ऑफ पीपल सेटिंग टुगेदर विद अ कॉमन एजेंडा और एम दिस द दिंग क्लियर चलिए सर आगे बढ़ते हैं नाउ इट्स टाइम टू मूव रिसोरी नेटीनशन टू दूना से होगी सर शुरू कहानी नेशनलिज्म के राष्ट्रवाद की जैसे हमारे यहाँ काफी टाइम बाद चल के हुई फॉर एग्जाम्पल नाइनटीन हंड्रेड के बाद ही मान लीजिए आप सर, 1905 के बाद से क्यों बिकॉज उससे पहले हम सभी लोगों को यूनाइट कर ही नहीं पाते किसी एक प्रिंसिपल के ऊपर किसी एक फिगर के ऊपर किसी एक पर्सन के ऊपर किसी एक थॉट आइडिया के ऊपर उसके बाद क्या हुआ सर वी डिजाइंड आवर ओन ट्राई कलर ठीक है समझ गई बातें उसमें कुछ मॉडिफिकेशन होते रहे होते रहे होते रहे एंड आफ्टर द इंडिपेंडेंस जुलाई हमने सर अपना ट्राई कलर अडॉप्ट कर लिया उसके बाद भारत माता वॉज लिटरलीफाइड बाई अ फीमेल डिटी सो so, ऐसे करके सर हमने अपने डिवाइसिस इनोवेट किए इन्वेंट किए हमने बनाए एंड सो देशनलिज्मी ग्रो फास्ट क्लियर हुई यहां से बातें सेम थिंग एटीन फिफ्टीन के बाद घास इटली में देर वॉज अ ग्रेट डील ऑफ डिससेटिस्फेक्शन विद्लिशमेंट ऑफ मेनी ऑफ द ओल्ड मोनार्कीज और यहां सर क्या स्टोरी काम आएगी इससे थोड़ी सी बाद में आपको तो जब चैप्टर स्टार्ट किया था इन बिटवीन आई मेन्शन यू सेटअप सोसायटी कोल्ड एज यंग इटली एंड हुईन एम वॉज टू थ्रू आउट द हेरिडेटरी मोनॉर्कीस क्लियर हुई बातें आज से आपको दिस वॉज द सेम स्टोरी एंड इट्स बींग फॉलोड ठीक है द न्यू ग्रोविंग सेंस ऑफ इटालियन नेशनलिज्म कंसिडर्ड दर्ग एंड बर्बंस आज फॉरनर्स जो है क्लियर जर्मनी रिमेंबर हैग एम्पायर जो बर्बन डायनेस्टी है क्लियर दे आर नॉट आवर रूलर्स दे आर नॉट देयर किंगडम्स नो दे आर फॉरनर्स वो लोग बाहर से आए बसे हमें कॉलोनाइज किया हमें डोमिनेट किया हमारे राजा बन के बैठ गए ये सेंस ऑफ यूनिफिकेशन ये सेंस ऑफ नेशनलिज्म शुरू हो चुका था सर 1855 के बाद, 1815 के बाद बाद 1815 क्लियर एंड सी एंड द यूनिफिकेशन ऑफ इटली दैट इज कॉल्ड अ सेकंड एडिशन द बुक बुक्स वर बीइंग पब्लिश लाइक दिस टू स्प्रेड आउट द नेशनलिस्टिक आइडियाज एंड सी दिस इज द थिंग यहां से सर सारी स्टोरी घूम जाएगी आपके चैप्टर की कैसे लिसबन आरी इटालियन वर्ड सर फॉर कार्बन बर्नर्स नेशनलिस्ट सोसाइटी ऑपरेटिंग इन सीकरेट एनकरेज द ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म तो कहते हैं ना सर जो आग भड़काने वाले हैं क्लियर फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे हम बात करें तो एच आर एस एगे हिंदुस्तान रिपब्लिक सोशलिस्ट आर्मी जो भगत सिंह की सोसायटी सर ठीक है भगत सिंह चंद्रशेखर दत्त वटोकिशोर दत्त एंड देर आर सो मेनी ऑफ दम सर इनके अलावा फॉरवर्ड ब्लॉक हो गया नेताजी सुभाष चंद्र बोस क्लियर सॉरी uh, सर आने में लेट uh, हो गया समझ नहीं आया सर फिर से बताएं बेटा क्या समझ नहीं आया आपको राहुल जस्ट आस्क मी वंस कि सर मुझे ये चीज समझ नहीं आई आप प्लीज ये बताइए ठीक है एंड आई बी हैप्पी टू हेल्प आउट सर जैसे ही सोसाइटी दे वर प्रमोटिंग द एस्ट्लिशमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्कीज़

Giuseppe Mazzini founded the Italian nationalist Young Italy movement in 1831. Okay, Mazzini became the spiritual leader of Italian nationalism. Why? Because sir, he focused his organizing almost entirely on the young, believing that the nationalist spirit needed a time to grow and that the young were more accepting this new spirit. Young, as in, you know, uh, the new generation, the coming generation, and everything. वॉज दैट काइंड ऑफ मैन जो सर इंटेलैक्चुअलिज्म इन सब चीजों में बिलीव करने से ज्यादा वो एक्शन में बिलीव करते थे ओके okay. वो थॉट और एक्शन में बिलीव करते थे इंटलेक्चुअलिज्म स्पिरिचुअलिज्म बट ये वॉज वेरी स्पिरिचुअली कनेक्टेड गेटिंग इट दिस वॉज द केस रिमेंबर दिस पर्सन अगर आपके पास आता है सर हू इज द फादर ऑफ इटालियन यूनिफिकेशन इट्स नन अदर देन गिस्पी मजिनी ओके क्लियर हुई तक बातें नाउ लेट्स मूव अहेड सर कैमिलोडी कवर द हेड वाई कैमिलियो बेंसोडी कवर आप इनका इतना नाम याद रखिए ये याद रखिए सर कैमिलियो डी कैवोर अ स्ट्रॉन्ग नेशनलिस्ट इट बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ साडिना पेडमोंट इन 1852 वे 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 बैक देन क्लियर लेकिन सर जो अधूरा सपना जिसे पे मजे छोड़ के गए थे

Make the Italy unified under the monarchy of Sardinia Piedmont because he was the prime minister of Sardinia Piedmont. Okay, now in this game, a different angle nikal And that angle was Crimean War. The Crimean War, 1853 to 1856, sent an alliance of European nations against Russia. Theke? Sardinia Piedmont declared war on Russia and joined Britain and France in their alliance. सर जस्ट इमेजिन 1852 फिफ्टी टू में कैमिलेडी कबोर प्राइम मिनिस्टर बने हैं साडीना पिडमुंड के 1853 में साडीना पिडमुंड लड़ाई करता है अगेंस्ट रशिया विद द लाइज ऑफ फ्रांस एंड इंग्लैंड ओके द किंगडम ऑफ सार्वीनिया कॉन्ट्रीब्यूटेड टाइटल लिटिल टू द वॉर एफर्ट बट इट सपोर्ट गेन्ड द फेवर ऑफ ब्रिटिश एंड स्पेशली द फ्रेंच फॉर नेशनलिस्टिक कोज क्लियर

यहां से होती चीजें शुरू 1853 टू 1856 वॉर हो गया खत्म कॉन्फ्रेंस हुई सर पीस कॉन्फ्रेंस पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस साड़ी ने पिटमोट थोड़ी सी मदद की लेकिन अपना प्रस्ताव लेकर गए पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस में कैवोर एनकरेज द इन्वेस्टमेंट ऑफ तो फॉरेन कैपिटल फ्रॉम कंट्रीज सच एज ब्रिटेन एंड फ्रांस टू तो डेवलप इंडस्ट्री पिटमोट पिटमोट इनडायरेक्टली मीन इटली ठीक है यहां तक स्टोरी समझ में आ रही बेटा आपको नाउ ब्रिटेन एंड फ्रांस नाउ हैड ए फाइनेंशियल इंटरेस्ट इन इटालियन यूनिफिकेशन एंड द एलिमिनेशन ऑफ ऑल ऑस्ट्रियन इन्फ्लुस फ्रॉम इटालियन पैनिस्ला ऑस्ट्रियन अंपायर डायनेट डायनेस्टी थी सर देर आर सो मेनी, अब फ्रांस और ब्रिटेन को मजाने लगा उनको लगा कि सर अब अगर हम इटालियन इनफिकेशन को करते हैं थोड़ा प्रमोट करते हैं थोड़ा सा प्रोवोक करते हैं तो हमारे लिए चीजें काफी ज्यादा असल हो जाएंगे दिस वॉज अ ड्रीम नाउ पब्लिक ओपिनियन माउंटेड इन ब्रिटेन एंड फ्रांस इन फेवर ऑफ इनिफिकेशन ऑफ इटली ब्रिटेन स्टूड टू गेन इनक्रीज ट्रेड फ्रॉम इंडिपेंडेंट इटली फ्रांस वॉन्टेड टू वीक ऑस्ट्रिया स्पेशली आफ्टर एटीन फिफ्टी एट होपिंग टू गेन न्यू टेरिटरी इन द नॉर्थ वेस्टर्न इटली अब कहते हैं न सर अब दो बिल्ली की लड़ाई थी लेकिन उनके बीच में अब बंदर पहुंच चुके हैं सर ठीक है अब बंदरवाड़ चल रही है इटली की इटालियन टेरिटरी की फ्रांस आपने देख रहा है कि सर मुझे सिर्फ ऑस्ट्रियन एम्पायर से बदला लेना है एटीन में क्रिमियन वोर खत्म हुआ है ठीक है रशिया एवरीथिंग ऑल ओके ठीक है सर कुछ नहीं है नाउ ब्रिटेन मदद कर रहा है सर साड़ी साडीना पिटबॉन्ड में इंडस्ट्री सेटअप करने में ठीक है फ्रांस चाह रहा है मेरे को नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इटली में एक कुछ जगह मिल जाए सो दैट आई कैन यू नो कैप्चर ऑस्ट्रियन एंपायर इन अ स्ट्रेटेजिक वे ओके जहां तक कहानी सही जा रही है अब द थर्ड पर्सन जिसे भी मजीनी जिसे पे गैरीवालडी कैमिलोडी कवर ऑफ इटालियन यूनिफिकेशन see giuseppe garibaldi and red shirts. what are red shirts? okay, don't worry, we will be learning in the chapter. i'll be explaining it to you. clear. Uh, hi, Sanjuman. hi, beta. so, sir giuseppe garibaldi and his red shirts, after training on the island of sardinia, sardinia-piedmont, landed in sicily, conquered the island, then crossed the southern italy and began the conquest of kingdom of naples. जाफर कौन था बर्बन डायनेस्टी ठीक है द किंग ऑफ नेपल्स फ्लेड एंड गैरीबाल्डी प्रिपेर टू डिक्लेयर अ रिपब्लिक इन सिसली एंड नेपल्स इन एटीन सिक्सटी अब एक तरफ कैमोलोडी कवर है एक तरफ जेसपी गैरीबाल्डी विद रेड शर्ट्स रेड शर्ट्स वॉज काइंड ऑफ कह सकते हैं सर ब्रूटल आर्मी ओके जो डेडली है डेंजरस है पर कंबाइंड है ओके okay. अब कहानी शुरू होती सर ठीक अब सीन क्या हो चुका है सार्डिना पिडमोट वहां पे कौन है सर कैमडी कवर ठीक है सार्डिनिया पिडमोन्ट से ये लोग ट्रेन होकर निकले दे वेंट टू सिसली नॉर्थ नॉर्दर्न स्टेट्स ठीक है एंड आफ्टर ऑल दे फ्लेड अवे द नेपल्स इटली के चार से पांच स्टेट्स हो चुके हैं

Garibaldi met King Victor Emmanuel and turned over the territory, his red shirt central in southern Italy, to the king in 1864. After all, the kingdom of Italy under Victor Emmanuel II now stretched from Piedmont and Lombardy in the north to Sicily in the south, including all of the old provinces, with the exception of Rome and Venezia, because they are still under Austrian Empire. Okay, that's all the thing. सीन द ग्रीन वन वॉज किंगडम ऑफ इटली अंडर साडीना करते हैं। 1870 में रोम ओके दिस इज थिंग। आई वॉज गेटिंग इट ओके नाउ ऑल ऑफ द यूनाइटेड विद एक्सेप्शन ऑफ द एरिया अराउंड रोम वेर द पोप सपोर्टेड बाय द फ्रेंच सिंस 1849

Okay. thank you so much, guys, for joining in. We'll see you in the next class on next Friday. Till then, take care, keep up the good work, and keep studying. Thank you. Thank you so much for joining.